पब्लिक लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं जयंत प्रताप सिंह आपके साथ जनपद मैनपुरी से। आज जनपद मैनपुरी की आशाओं ने एकजुट होकर शेमो कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की और अपनी मांगे रखी, जिसमें इन्होंने बताया है पिछले 6 महीनों से हम लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है और क्या कुछ कहा यूनियन के पद अधिकारियों ने, आइए जानते हैं। पूरे दिन की ड्यूटी है, कोई पेमेंट नहीं आ रहा, किसी भी बहन का, बहनें बहुत पीड़ित हैं, है ना, इसलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए। क्या कहा बात हुई उनने कहा ऐसे ही, मतलब ऐसे तो हर बार बोल दिया जाता है हम लोगों से कि हाँ 7 दिन में आ जाएगा ये, अब देखते हैं 7 दिन में भाई, 7 दिन का टाइम, हाँ पड़ता क्या, धीरे धीरे पड़ेगा, देखते हैं 7 दिन का, 15 दिन तक, फिर उसके बाद नहीं तो फिर हम ऐसे ही खड़े होंगे आगे। आप पैसे नहीं देते तो क्या करते हो? कहते हैं कल आना परेशान, चक्कर लगवाते हैं, पैसे नहीं देते हैं, दोबारा यही फिर खड़े होंगे, 15 दिन बाद फिर यही आएंगे। भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष डॉक्टर साहब, आज आपकी यूनियन के तहत आशाएं आज यहाँ आई है। ये असल में मैंने आशा स्वास्थ्य यूनियन एक बना दी है मैनपुरी में, इन आशाओं की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। 5-5, 6-6 महीने से इनको वेतन नहीं मिल रहा है और जो इनके जो अधिकारी हैं सीधा उन्हीं के पैसे उनके खाते में ही पैसा आता है, उसमें भी ये लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं उसके बाद पेमेंट करते हैं, ऐसी समस्याएं हैं। और जो आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनको 1,500 रुपये बढ़ा दिए हैं वो भी आज तक तो कोई पेमेंट नहीं आया। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हम लोग सीएमओ साहब से आज मिले हैं। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? सीएमओ साहब कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर जो है आपका पेमेंट होने लगेगा और आपके खाते में ही पैसा आने लगेगा, सरकार इस तरह की व्यवस्था कर रही है। अगर नहीं होता है तो ऐसा नहीं होगा तो हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे यहाँ पर, मैंने सोच लिया है किसी भी कीमत पर जो है हम इनका शोषण नहीं होने देंगे। 600 रुपए एक बच्चे की डिलीवरी में मिलते हैं इनको, उसमें से बहने हमारी बता रही है 100 रुपए जो है वहाँ का अधिकारी कर्मचारी लेता है, ये बड़ी शर्म की बात है। हमारी सरकार को बदनाम करने का ये लोग काम कर रहे हैं, योगी जी मोदी जी हमारा जो देश को चला रहे हैं उनको बदनाम करने का ये प्रयास है। हम करने कह दिया सभी बहनों से अगर कोई भी पैसा डॉक्टर या कोई कर्मचारी मांगता है आप मुझसे कहिए, मैं आंदोलन करूंगा, आप लोगों के साथ हूँ। मोदी योगी चंदा भाई।